बदलना है दोस्तों, देश के सामान्य मानवीय की जिंदगी बदलेगी तब देश बदलने वाला है। ये सारा परिश्रम गरीबों को समर्पित है, उनके कल्याण को समर्पित है। देश ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए, कष्ट झेल करके आशीर्वाद दिए हैं, आने वाले दिनों में इस बदलाव के हकदार भी वही होने वाले हैं। 2017 अपना सूरज लेकर आया है, लेकिन साल की चमक कितनी बिखरेगी ये तय होगा सरकार से, क्योंकि यहां से आगे बढ़ने का मतलब होगा चुनावी साल 2019 से आगे बढ़ना, ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि देश के लिए भी। और यहां से फिसलने का मतलब खाई होगी सरकार के लिए भी और देश के लिए भी। जब अच्छाई के लिए आंदोलन होते हैं तो सरकार और जनता आमने सामने होती है। यह इतिहास की ऐसी मिसाल है जिसमें सच्चाई और अच्छाई के लिए सरकार और जनता दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। 2017 के 12 महीने सरकार के लिए राजनीतिक और आर्थिक सत्याग्रह के दिन होंगे। चुनावी चुनौतियां होंगी, आर्थिक चुनौतियां होंगी, कूटनीतिक चुनौतियां होंगी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन आरंभ हुआ था। इन दिनों हमने देखा कि 100 वर्ष के बाद भी हमारे देश में सच्चाई और अच्छाई के प्रति सकारात्मक संस्कार का मूल्य है। ...2017 में जो मौका है वो 2018 में नहीं मिलेगा, क्योंकि तब वक्त नहीं होगा। 2017 में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं भी होनी है जो आने वाले कई साल की पटकथा लिख सकेंगी। तो क्या 2017 होगा मोदी न्यू ईयर? नमस्कार, 2017 का साल सरकार के लिए कैसा होगा, ये वो सवाल है जो मेरे आपके इस देश के मन में चल रहा है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये साल ऐसा है जिसे जीता तो समझे सरकार सब जीत गई। दरअसल मोदी सरकार के कार्यकाल में ये वो साल है जो एक तरह से कहे तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने वाला है, अवसर वाला है। आप हमारी रिपोर्ट्स देखेंगे तो समझेंगे कि क्या ये साल प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिफाइनिंग ईयर है और क्यों 2017 चुनावी साल 2019 का सेमीफाइनल वाला साल है। सबसे पहले आर्थिक फ्रंट पर सरकार के चैलेंजेस और मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को देख लेते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित 2014 में देश की सत्ता में बदलाव हुआ, लेकिन 2017 में राजनीति बदलेगी। ढाई साल में मोदी सरकार को अपनी सरकार की नीतियां लागू करने का मौका मिला। 2017 उन नीतियों के नतीजों के दिखने का साल है। 2017 वो आखिरी मौका भी है जब चुनावी साल 2019 से पहले कोई नियत नई नीति में बदली जा सकेगी। सरकार की पहली अग्नि परीक्षा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है। 2016 के आखिर में डिमोनेटाइजेशन के फैसले ने अर्थव्यवस्था को चुनौती भी दी है और मौका भी। एक और फॉर्मल इकोनॉमी से बाहर चल रही समानांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करने की उम्मीद बढ़ी है, तो एक स्पीड ब्रेकर भी लगा है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में 7.2% की दर से अर्थव्यवस्था में विकास हुआ, लेकिन अब आरबीआई ने 2016-17 में पहले के 7.6% विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.1% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भी 7.4% विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.9% कर दिया है। देखिए, ब्लैक मनी की जो सबसे बड़ी गंगोत्री है वो है आपका पॉलिटिकल सिस्टम। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि बजट सत्र में क्या भारत सरकार या प्रधानमंत्री पॉलिटिकल करप्शन जो है हमारे यहाँ पे, जो ब्लैक मनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जाता है, उनमें क्या सुधार लाते हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई के तहत लाया जाएगा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैश फंडिंग को रोका जाएगा? अगर ये दो कार्रवाई नहीं होती हैं तो इस देश से करप्शन नहीं खत्म होगा।
सरकार का दावा है कि डीमोनेटाइजेशन से अर्थव्यवस्था को अगर कोई झटका लगेगा तो वो थोड़े समय के लिए ही है। लेकिन ये तो तय है कि सरकार को अपने फरवरी बजट में नई शुरुआत करनी होगी। बजट में सरकार को न सिर्फ सामाजिक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च को बढ़ाना होगा बल्कि कैश रिकॉल के बाद अब देश को फील गुड फैक्टर भी देना होगा। सरकार के सामने अप्रत्यक्ष करों के सबसे बड़े रिफॉर्म जीएसटी को 1 अप्रैल से ही लागू करने की चुनौती भी है। अब ये देखना है कि जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो भारत सरकार ने नए संसाधन जुटाने की जो कोशिश करी है वो किस तरह से डिप्लॉय होगी, किस तरह से एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, किस तरह से हमारे प्रोसीजर्स और सिस्टम सुधरेंगे ताकि वेस्टेज कम हो और जो टाइम लगता है इस देश में कार्रवाई होने में वो टाइम कम लगे। ये सब चीज़ें 2017 में बहुत कुछ सामने आएगा, ये सब देखना पड़ेगा। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें 30 महीने के सबसे निचले स्तर पर थी। दूसरी कमोडिटीज के दाम भी घट रहे थे। सरकार ने तुरंत डीजल के दाम को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से जोड़ने में सफलता हासिल कर ली, लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की सफल अपील कर सकी और उज्ज्वला जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक स्कीम सरकार लागू कर सकी। लेकिन अब सरकार के पास ऐसे आर्थिक अवसर नहीं हो सकते क्योंकि 2016 के आखिर तक वैश्विक आर्थिक चुनौतियां बढ़ी हैं। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रोजगार को बढ़ाने और महंगाई को काबू में रखने की है। आदर्श स्थिति तो यह है कि हर साल 120 लाख नए रोजगार पैदा हों, लेकिन ये फिलहाल संभव नहीं। हालांकि एक सर्वे के मुताबिक 2017 में नए रोजगार पहले के मुकाबले बढ़ेंगे। myhiringclub.com एंड jobportal.co.in के एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड सर्वे के मुताबिक 21 बड़े शहरों में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 8.75 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा नई नौकरियां आएंगी। सवाल है कि क्या मोदी सरकार भी इस ट्रेंड में इंडस्ट्री के लिए सेंटा क्लॉज बन सकेगी? क्या सरकार विकास के लिए सही दिशा मुहैया करा सकेगी? ये देखना पड़ेगा कि इस देश में क्या महंगाई कम हुई, शिक्षा के मामले में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें क्या सुधार हुआ, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन तीनों से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद बात आती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स की कि अगर बेसिक ज़रूरतें पूरी होंगी तो क्या हमारा जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित होगा, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इम्पोर्ट पर बढ़ेगी या हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकारी पॉलिसी पर डिपेंड करेंगी, हमारी कॉस्ट ऑफ मनी जिसको हम इंटरेस्ट कॉस्ट कहते हैं उस पर डिपेंड करेगी और हमारी एफिशिएंसी पर डिपेंड करेगी। 2017 के बाद सरकार को आर्थिक मैनेजमेंट से ज्यादा पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना होगा, इसलिए बड़े आर्थिक सुधारों के लिए सरकार के पास इस कार्यकाल का यह आखिरी साल है। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।